राष्ट्र बनेगा? अच्छा सनातन एकता हो जाएगी? एक मिनट एक मिनट, हमने यही मांग की अभी अभी, हमने न्यूज पे भी मांग की, पत्रकारों को हमने कहा कि खुजली वाले देवता हरो, जैसे वक्फ बोर्ड हो सकता है वैसे ही भारत में सनातन हिंदू बोर्ड होना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? क्या उन्हीं भर का भारत है, हमारे बाप का भी तो भारत है। मोक्ष की भूमि, सहिष्णुता की भूमि, पवित्रता की भूमि, पितरों की भूमि में दोबारा बालाजी की कृपा से गया जी में आप लोगों के दर्शन करने आए हैं। हमको प्रसन्नता है कि हम अपने बिहार में आए हैं, पर हमको दुख ये है कि हम आप लोगों को कथा नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन बालाजी की कृपा रहेगी, सन्यासी बाबा की कृपा रहेगी, बहुत जल्दी हम बिहार के गया में विष्णुपाद भगवान के चरणों में कथा सुनाएंगे। बिहार हमारी आत्मा है, बिहार से हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन एक बात से हम नाराज भी हैं। कहो तो बता देना होगा बुआ, कुछ लोग हमारी गलत न्यूज चला देते हैं कि बाबा बड़ों से मिलते हैं छोटों से नहीं मिलते, पैसे वालों से मिलते। दरअसल हम यहाँ पर 200 परिवारों के सदस्य हैं जो संबोधि में रुके हुए हैं, जिन्होंने यहाँ रुकने की व्यवस्था की रसीद कटवाई, जो धाम से जुड़े हैं उनके पितरों के लिए ब्राह्मण देवता आए हैं, उस अनुष्ठान में हम ब्राह्मणों के साथ सम्मिलित होने आए हैं। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, न हमसे मिलने का कोई रसीद या पैसा है, ऐसी फ्रॉडगिरी की बात। भगवान बागेश्वर धाम की जय। शांति की भूमि, ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि गया जी है। हम यहाँ पर आए हैं और 200 परिवारों के साथ में, जो बागेश्वर धाम के परिवार आए हैं उनके साथ में 2-3 दिन तक रह करके पितरों की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आगामी समय में नवंबर में, 21 नवंबर से 29 नवंबर तक संपूर्ण भारत को एक करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि तो कब तक हम दूसरों के भरोसे रहेंगे, कब तक हम दूसरों की दृष्टि देखेंगे? बहुत जल्द भारत वरना बांग्लादेश हो जाएगा और हम भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे। वर्तमान में जो देश में परिस्थितियां हैं वो बहुत विचित्र हैं, इसलिए अब भारत के लोगों को जगाने के लिए केवल एक बागेश्वर बाबा कब तक बोलेगा? अब हमने प्रण लिया कि हम घर घर बागेश्वर बाबा बनाएंगे। इसके लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक, सनातनियों को एक करने के लिए, ऊंच नीच और छुआछूत को मिटाने के लिए और भारत को समृद्ध बनाने के लिए करने वाले। हाँ, न्यूज वालों से हमारी शिकायत भी है आपसे, आप लोग कुछ भी न्यूज डाल देते हो। पहली बात तो भगवान, बहुत जल्दी दिव्य दरबार लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम था वो हमारे 200 परिवार जो आए हैं वो बागेश्वर धाम परिवार के सदस्य आए, उनको उनके लेकर के उनके साथ में हम आए हैं। तो यहाँ दरबार अभी लगना नहीं, कथा अभी होनी नहीं, क्योंकि मेला चल रहा है, पितरों के मेले में लाखों लोग आते हैं, प्रशासन को दिक्कत हो जाती है, हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी को कष्ट हो। अब वैसे ही अभी एक दो चीज़ें ऐसी घटना घटित हो गई तो बाबा वैसे ही हैशटैग में लगे हुए हैं। पति के मंदिर में जो लड्डू है उसमें हमने बोला है भारत के सभी मंदिरों में एक एक गौशाला होनी चाहिए शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए। अब भारत सरकार को सभी मंदिरों को अपने अधीन से छोड़ करके हिंदुओं को छोड़ना चाहिए, हिंदुओं को सनातन हिंदू बोर्ड को छोड़ना चाहिए, ताकि पवित्रता बनी रहे और मंदिरों की सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद। अच्छा, एक ये रुकने की व्यवस्था है और रसीद वालों को केवल VVIP, कोई VIP नॉन VIP नहीं है, ये 200 परिवार बागेश्वर धाम से आए हैं, उनकी रसीदें और उनके कार्ड हैं, उनको यहाँ रुकने की भंडारे की व्यवस्था, वरना आप लोग हमारी धज्जियाँ उड़ाने पे लगे हुए हो कि बाबा VIP पर्ची वालों से मिल रहे हैं। तो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन लोगों ने यहाँ पर रुकने की व्यवस्था का खर्च दिया है, हम तो अपना उल्टा खर्च करके आए हैं। तो अगर न्यूज वाले ऐसी उल्टी न्यूज चलाएंगे तो हम न्यूज वालों से दक्षिणा लेंगे, क्योंकि हमारा दरबार निःशुल्क है, हम निःशुल्क हैं। अगर उल्टी न्यूज चलाओगे तो हम न्यूज वालों से पैसा लेंगे, फिर बाद में मत कहना।